नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह आज के सेशन में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस नामक सीरीज के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ करेंट इन अ ट्रांजिस्टर। आज हम ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो होने वाली करेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स का अध्ययन करेंगे, लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ध्यान दें कि ये वाला टॉपिक उनके सिलेबस में कवर नहीं होता है, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप इसे पढ़ें ज़रूर, लेकिन बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। सो टुडे वील डिस्कस अबाउट दी इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू दी फ्लो ऑफ करेंट इन अ ट्रांजिस्टर। तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को इसे नहीं पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस वाले स्टूडेंट्स को इसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो टर्म आता है एमीटर करेंट ट्रांजिस्टर की करेंट्स में, एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी हम क्या बोलते हैं, द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ एमीटर आर मच मोर देन द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ बेस। सो वी कैन से दैट द एमीटर करेंट एंड द एमीटर जंक्शन इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि द मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ एमीटर, जो एमीटर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो बेस के मेजॉरिटी कैरियर से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एमीटर की जो डोपिंग का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है और बेस का डोपिंग लेवल बहुत कम होता है। इसीलिए जो एमीटर के मेजॉरिटी कैरियर हैं वो बेस के मेजॉरिटी कैरियर से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एमीटर पर जो करंट है वो मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों के कारण फ्लो होती है। सो वी कैन से दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ एमीटर करंट एट द एमीटर जंक्शन एंड द टोटल एमीटर करंट एंड करंट रिप्रेजेंटेड बाई गामा। तो जो एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी इट्स नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ एमीटर करंट एट द जंक्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ एमीटर करंट एट द जंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल करंट, टोटल एमीटर करंट। यानी कि क्योंकि हमने कहा एमीटर पे दो करंट होती है, एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, एक माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट होती है उसे हम एमीटर करंट बोलते हैं, और टोटल करंट होगी द करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स प्लस माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, एमीटर करंट एट द एमीटर जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स और बटे टोटल एमीटर करंट, यानी दिस इज द करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर्स। तो पीएनपी केस के केस में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, और एनपीएन के केस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दिस इज द एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, गामा इज इक्वल्स टू आईईपी। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले सेशन में। आईईपी इज नथिंग, इट्स अ एमीटर करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स या होल्स, ड्यू टू द होल्स। और नीचे आईईपी प्लस आईईएन, आईईपी क्या है एमीटर करंट ड्यू टू दी होल्स, और आईईएन क्या है एमीटर करंट ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से एमीटर करंट और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एमीटर करंट। तो टोटल एमीटर करंट क्या होगी, मेजॉरिटी कैरियर्स प्लस माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो आईईपी ओवर आईई, आईई इज अ टोटल एमीटर करंट और आईईपी इज अ एमीटर करंट ड्यू टू दी होल्स। इसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए देखेंगे, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उस कंडीशन में गामा इज टू आईईएन अपॉन आईईपी प्लस आईईएन अपॉन, तो आईईपी इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू आईईएन अपॉन आईई। तो यहां पर आईई इज अ टोटल एमीटर करंट और आईईएन इज अ एमीटर करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, यहां होल्स नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। दिस इज एमीटर करंट ड्यू टू द होल्स आईईपी, और आईईएन एमीटर करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इट्स राइट, ये आईईपी और आईईएन दोनों की कहा गया है, और ये आईईएन जो है वो एमीटर करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स है। प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ गामा इज 0.98 on 0.99। प्रैक्टिकली जो गामा की वैल्यू है एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी वो 98 से 99% तक होती है। इट्स क्लोज टू यूनिटी, हाई एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी इज अचीव बाई हैवियर डोपिंग ऑफ द एमीटर देन द बेस। जैसे कि हमने बताया था आपको कि एमीटर की जो डोपिंग का लेवल है वो बेस से बहुत ज़्यादा होता है, तो हम एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी को ज़्यादा रख सकते हैं अगर हम इसकी डोपिंग का लेवल एमीटर का बहुत ज़्यादा रखें।
उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स दैट क्रॉसेस द बेस एंड रीच कलेक्टर जंक्शन एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट, यानी कि जो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर है वो रेशियो है किसका, कलेक्टर करंट का, उस कलेक्टर करंट का जो मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से है, दैट क्रॉसेस द बेस एंड रीच द कलेक्टर, जो बेस को क्रॉस करते हुए कलेक्टर पर पहुँचती है, एंड एमीटर करेंट ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स विच क्रॉसेज द एमीटर जंक्शन, यानी कि एक तरह से बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर एक करेंट वो जो एमीटर से फ्लो कर रहा है, एमीटर से मेजोरिटी कैरियर को बेस में पहुंचने की वजह से फ्लो हो रही है, और एक करेंट वो जो बेस से कलेक्टर में पहुंचने में करेंट फ्लो हो रही है, तो कलेक्टर करेंट टू द एमीटर करेंट का एक रेशियो है। तो दिस बीटा, जिसे हम बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा डैश इज नथिंग, इट्स अ कलेक्टर करेंट ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर, यानी मेजोरिटी कैरियर के कारण जो कलेक्टर करंट फ्लो होती है एट द कलेक्टर जंक्शन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बेस, जो बेस से हमारे पास एमीटर से जो मेजोरिटी कैरियर्स आ रहे हैं थ्रू द बेस उसकी वजह से फ्लो होती है। दूसरा है एमीटर करंट ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स विच क्रॉसेस एमीटर जंक्शन, यानी कितने मेजोरिटी कैरियर्स एमीटर से एमीटर जंक्शन को क्रॉस किए वो वाले हो गए एमीटर करंट, और कितने बेस को क्रॉस करते हुए कलेक्टर तक पहुंचा है वो होगी कलेक्टर करंट। तो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर हम पीएनपी और एनपीएन दोनों के लिए निकाल लेंगे, तो पीएनपी लिए बीटा डैश टू आईसीएन, आईसीएन इज अ कलेक्टर करंट ड्यू टू दी मेजोरिटी कैरियर्स, क्योंकि एनपीएन के लिए निकाल लें तो एनपीएन में मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो आईसीएन इज अ नथिंग, इट्स अ कलेक्टर करंट ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स एट जंक्शन कलेक्टर जंक्शन जेसी। इसी तरह से IEN इज अ एमीटर करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स विच क्रॉसेस एमीटर जंक्शन JE। फॉर PNP ट्रांसफर देखेंगे तो PNP ट्रांसफर केस में ICN की जगह ICP हो जाएगा, IEN की जगह IEP हो जाएगा, तो IC यानी कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का रेशियो है बेसिकली बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, बट इट इज ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से, तो ICP ICN सेम है। To achieve IC close to IE, we make the base transport factor beta high by making the base width smaller than a diffusion length. यानी कि हमें IC और IE को almost equal रखना है, क्योंकि base transport factor क्या है, almost unity होना चाहिए, तो IC और IC को equal रखना है। We make the base transport factor beta dash high by making the base width smaller than a diffusion length. तो base की जो width है, बेस की जो चौड़ाई है उसे हम डिफ्यूजन लेंथ से कम रखते हैं। द डोपिंग ऑफ बेस इज़ वेरी लो, डोपिंग के बेस की डोपिंग है जो बहुत कम होती है, जनरली द वैल्यू ऑफ बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 0.9995, यानी हम इसका कोशिश ये करते हैं कि 1 होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये लगभग 0.995 होती है, क्योंकि IC और IE ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तीसरा जो टर्म आता है दैट इज करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट ड्यू टू द कैरियर्स कमिंग फ्रॉम एमीटर एंड टोटल एमीटर करंट, यानी ये कलेक्टर करंट और टोटल एमीटर करंट का रेशियो होता है, जिसे हम अल्फा DC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा DC इज अ नथिंग, इट्स अ कलेक्टर करंट ड्यू टू द कैरियर्स कमिंग फ्रॉम एमीटर, यानी ये कलेक्टर करंट है जो मेजोरिटी कैरियर्स एमीटर से आ रहे हैं उनके कारण फ्लो होती है, और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल एमीटर करंट है। वी नो दैट कलेक्टर करंट हैज़ टू कम्पोनेंट, कलेक्टर करंट के दो कम्पोनेंट होते हैं, पार्ट ऑफ एमीटर करंट दैट रीचेज इन टू द कलेक्टर, यानी एमीटर करंट का वो पार्ट जो कलेक्टर पर पहुंचता है, और कलेक्टर बेस सेचुरेशन करंट और लीकेज करंट ICBO, दो तरह की करंट होती है, तो ICN इज इक्वल टू ICP इज इक्वल टू IC माइनस ICBO। तो कलेक्टर करंट में से अगर हम बेस लीकेज करंट को माइनस कर दें तो हमें कलेक्टर करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिल जाती है। तो इसी तरह से अब हम NPN ट्रांजिस्टर के लिए अगर आप अल्फा DC कैलकुलेट करें तो अल्फा DC इज इक्वल टू ICN ओवर IE, और फॉर PNP कैलकुलेट करें तो अल्फा DC इज टू ICP ओवर IE। वी हैव अल्फा DC इज टू IC माइनस ICB ओवर IE। अब हमने ICN और ICP की वैल्यू हमारे पास क्या थी, IC माइनस ICB हो, तो वो हमने पुट कर दी, तो अल्फा DC हमारे पास आ गया IC माइनस ICB ओपन IE, तो अल्फा DC IE इज इक्वल टू IC माइनस ICBO, तो इससे हमें IC की इक्वेशन निकल गई, ICU अल्फा DC IE प्लस ICBO, तो दिस इज कलेक्टर करंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कलेक्टर। इफ ICBO इज नेग्लिजिबल, लीकेज करंट है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से, जो तो बहुत कम अमाउंट में होती है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास IC इज गो टू अल्फा DC
आई ई मिलता है हमको, तो अल्फा डी सी इज टू आई सी ओवर आई ई। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज नथिंग, इट्स अ रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। हैंस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ आई सी एंड आई इज द कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा डी सी इफ आई सी बी ओ इज नेग्लेजिबल। जब हमने आई सी बी ओ को नेग्लेजिबल माना है तब हम इसको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। फॉर ए सी सिग्नल अल्फा डी सी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा आई सी टू द चेंज इन एमीटर करंट। जैसे डी सी के लिए तो हमने ये कहा था कि अल्फा डी सी जो कहा था वो आई सी ओवर आई ई था, लेकिन अगर हम करंट एम्पलीफिकेशन ए सी के लिए निकालते हैं तो ए सी में क्योंकि जो आई सी और आई ई है वो रेगुलरली चेंज होती हैं, तो द चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एमीटर करंट, तो डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई, तो अल्फा ए सी हो गया डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई। डेल्टा आई सी इज नथिंग, इट्स अ चेंज इन कलेक्टर करंट, और डेल्टा ई इज चेंज इन एमीटर करंट व्हेन वी सी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने अल्फा ए सी, अल्फा डी सी, बीटा डैश और गामा कई सारे टर्म निकाले। नाउ वी सी द रिलेशन बिटवीन अल्फा डी सी, बीटा डैश एंड गामा। अल्फा डी सी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बेस ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टिव फैक्टर है ना, इनमें सब में हम रिलेशन गामा। तो वी नो दैट अल्फा डी सी टू आई सी एन ओवर आई ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बिकॉज आई सी एन टू बीटा डैश आई ई एन, तो यहाँ पर आई सी एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो अल्फा डी सी टू बीटा डैश आई ई एन अपॉन आई ई, तो बीटा डैश आई ई एन अपॉन आई ई की वैल्यू हमने आई ई एन अपॉन गामा रख दिया, क्योंकि गामा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे आई ई एन अपॉन आई ई, तो हमने यहाँ पर आई ई की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास बिकॉज ये हम निकाल चुके हैं आई ई एन ओवर गामा, तो अल्फा डी सी टू बीटा डैश गामा, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा डी सी, बीटा डैश एंड गामा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लीकेज करंट, लीकेज करंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। एज वी नो दैट द लीकेज करंट एग्जिस्ट इन रिवर्स बाइस, जैसा हम जानते हैं कि लीकेज करंट हमेशा रिवर्स बाइस में होती है, बाइस कलेक्टर जंक्शन, रिवर्स बाइस कलेक्टर जंक्शन, जैसा कि हम जानते हैं लीकेज करंट कहाँ होती है, केवल कलेक्टर जंक्शन पर जो रिवर्स बाइस में कनेक्ट है जे सी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो होने के कारण। सिंस दीज माइनॉरिटी कैरियर जनरेट ड्यू टू दी थर्मल वाइब्रेशन, क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर थर्मल वाइब्रेशन के कारण जनरेट होते हैं, देयर फॉर दी लीकेज करंट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, इसलिए जो लीकेज करंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिकली दिस करंट इंक्रीजेज 7% पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो लीकेज करंट है अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लगभग 7% हमारा राइज हो जाती है लीकेज करंट में, और ये लगभग 10% यानी कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो 7% से 70% बढ़नी चाहिए, लेकिन 100% बढ़ जाती है यानी दुगनी हो जाती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो लीकेज करंट है वो डबल हो जाती, जस्ट डबल हो जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।